एक ऐसी दुनिया जहां ना मोह है ना माया, ना भूख ना प्यास, साधना आराधना में लीन शमशान में अपनी एक अलग दुनिया बसाए, दुनिया की नजरों से ओझल कड़ी तपस्या में लीन रहते हैं नागा साधु। आपने नागा साधुओं को तो कभी ना कभी जरूर देखा होगा, वही नागा साधु जो निर्वस्त्र शमशान की भस्म लपेटे दीन दुनिया से दूर रहते हैं। पर क्या महिला नागा साधु भी होती हैं? अगर होती हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आती? क्या वो भी नागा साधु की तरह निर्वस्त्र रहती हैं? क्या इन्हें देखा जा सकता है? ये कब कहां दिखाई देती हैं? ये सच भी है या सिर्फ एक कहानी? पूरी जानकारी देते हैं आपको। दुनिया से दूर रहते हैं नागा साधु। क्या महिला नागा साधु भी होती हैं? कैसे बनते हैं महिला नागा साधु? पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी रहती हैं निर्वस्त्र। क्या पहनती हैं महिला नागा साधु? कहाँ रहती हैं महिला नागा साधु? कब दर्शन देती हैं महिला नागा साधु? भारत साधु संतों का देश है और साधु संत भी कई तरह के होते हैं। इनका जीवन भी खास रोमांचकारी है। कुछ साधु संत तो ऐसे हैं जो खास मौके पर ही दुनिया के सामने आते हैं। इसमें नागा साधु शामिल है। आमतौर पर लोग पुरुष नागा साधुओं के बारे में ही जानते हैं, जबकि पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी असल जिंदगी में होती हैं। ये जानने के बाद मन में सबसे पहला सवाल उठना लाजमी है, क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती हैं, जिस तरह पुरुष नागा साधु रहते हैं? साथ ही महिला नागा साधु कौन होती हैं और कब दर्शन देती हैं? नागा साधुओं की बिरादरी में केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी होती हैं। हालांकि महिला नागा साधु काफी कम होती हैं और ना के बराबर ही दुनिया के सामने आती हैं। सिर्फ कपड़े त्याग देने से ही कोई महिला नागा साधु नहीं बनती, उसके लिए करनी पड़ती है सालों तक कठिन तपस्या। जीते जी अपना पिंड दान करना पड़ता है, सिर मुंडवाना पड़ता है, तब कहीं जाकर महिला नागा साधु बनती है। ये महिला नागा साधु दुनिया से दूर जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों पर रहती हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। हालांकि पुरुषों की तरह महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती, बल्कि वो कपड़े धारण करती हैं। महिला नागा साधु जटाएं रखती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं और शरीर पर राख लपेटती हैं। यानी कि बाकी नागा साधुओं की तरह रहती हैं महिला नागा साधु, लेकिन बिना कपड़ों के रहने की बजाय गेरुए रंग का वस्त्र धारण करती हैं। महिला नागा साधु का ये वस्त्र बिना सिला हुआ होता है, जिससे वो अपने शरीर को ढकती हैं। महिला नागा साधु कुंभ महाकुंभ जैसे खास मौके पर ही दुनिया के सामने आती हैं। भोर से पहले अंधकार में, आम लोगों से पहले कुंभ में, पवित्र नदी में स्नान के बाद वो जल्द ही गायब हो जाती हैं। यही वजह है कि बहुत कम लोग ही महिला नागा साधुओं के दर्शन कर पाते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी महिला नागा साधुओं के फोटोज बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग इनके बारे में कम जानते हैं और इनके दर्शन भी करना चाहते हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।